हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तनुज 541। आज हम बनाएंगे परवल मलाई ग्रेवी। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। वैसे तो हम सभी के घर में परवल की सब्जी हमेशा ही बनती है, लेकिन इस बार नए तरीके से इस परवल की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी। चलिए शुरू करते हैं। परवल मलाई ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया है 8 से 10 काजू। 1 बड़ा चम्मच हम खसखस लेंगे, जिसको कि पोस्तो भी कहते हैं। 1/2 बड़ा चम्मच लेंगे हम सरसों। आप चाहे तो पीले सरसों भी ले सकते हैं, लेकिन 1/2 बड़ा चम्मच से ज़्यादा हमें नहीं डालना है। 1 बड़ा चम्मच डालेंगे सफ़ेद तिल, इसको मैंने भूनना नहीं है, बिल्कुल कच्चा ही डाला है। 1 बड़ा चम्मच लेंगे नारियल का बुरादा, आप चाहे तो ताज़े वाले नारियल भी डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 कप बिल्कुल गरम गरम वाला पानी, और इसे हमें 1/2 घंटे के लिए इस पानी में सोक करके रखना है, ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, थोड़े से फूल जाए, और 1/2 घंटे के बाद इसे पीस कर हमें इसका बिल्कुल पेस्ट बना लेना है। 1/2 घंटे के बाद इसे पीस कर मैंने इसका मलाई पेस्ट तैयार कर लिया है। तो इसको रखते हैं साइड में और चलते हैं हमारे अगले प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम परवल, और इसको मैंने कुछ इस तरीके से छीला है, आप देख सकते हैं। थोड़े थोड़े से छिलके मैंने रहने दिए और थोड़े थोड़े से निकाल लिए। इसको बिल्कुल इसी तरीके से छीलना है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो मैं इसे ऐसे आधे आधे हिस्से में कट कर रही हूँ, आप चाहे तो इसको गोल गोल भी काट सकते हैं। तो सभी परवल को हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, और इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। नमक और हल्दी लगाकर इसे मिक्स करने से सब्जी में इसका कलर भी अच्छा आता है, और साथ साथ नमक और हल्दी का फ्लेवर भी इसमें अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब हो जाता है। इससे सब्जी का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो सभी परवल के पीसेस को हम अच्छी तरीके से सभी तरफ से मिक्स कर लेंगे हल्दी और नमक लगाकर। यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए अब हम इसे फ्राई करेंगे। गैस पर मैंने रख लिया है पैन। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच तेल और इसे गर्म होने देंगे। तेल गर्म होते ही हम इसमें सारे परवल को डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो मीडियम पर रखकर हमें इसे तब तक फ्राई कर लेना है जब तक ये पूरी तरीके से पक ना जाए, यानी कि फ्राई करते समय ही हमें इसे पूरी तरीके से पका लेना है। तो जब तक हमारा परवल फ्राई हो रहा है, हम हमारी सब्जी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 कप पानी। इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। इस रेसिपी में हम जीरा पाउडर ज़्यादा डालेंगे और धनिया पाउडर कम डालेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा मसाला पेस्ट हो गया है तैयार। तो इसको रखते हैं साइड में, और हमारा परवल भी यहाँ पर फ्राई होकर तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम बाहर निकाल लेंगे, और इसको हम बंगाली में कहते हैं पोटल भाजा। इसे आप चाहे तो ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है दाल राइस के साथ। गैस की फ्लेम को वापस से ऑन करके हम इसमें डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 1 सूखा लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच जीरा। इसे कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो पर कर देंगे, और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, और साथ साथ हमने जो ये मसाला पेस्ट बना के रखा था इसे डाल देंगे। मसाला पेस्ट डालते समय गैस की फ्लेम को लो पर कर दे, ताकि ये जले नहीं। लो फ्लेम पर रखते हुए इसे हम कुछ सेकेंड्स के लिए थोड़ा सा पका लेंगे। तो यहाँ पे इसे मैंने थोड़ा सा कुछ सेकेंड्स चला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटा हुआ टमाटर। इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे मिक्स मसालों के साथ, और टमाटर डालते साथ ही हमें इसमें डाल देना है स्वाद अनुसार नमक, इससे टमाटर जल्दी से पक जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे शक्कर ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और शक्कर डालना थोड़ा सा ज़रूरी इसलिए क्योंकि ये है मलाई करी, और मलाई करी की रेसिपी में शक्कर का टेस्ट भी ऐड होना ज़रूरी है। वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है कि ये सब्ज़ी मीठी हो जाए, लेकिन ज़रा सा शक्कर ज़रूर ऐड करें। 1-2 मिनट के लिए टमाटर को मैंने पका लिया है, और आप देख सकते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। टमाटर के थोड़े से पकने के बाद इसमें हम डाल देंगे 2 छोटे चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने कटी हुई हरी मिर्च भी डाली और साथ में ये हरी मिर्च का पेस्ट, तो भाई कितना तीखा मैं डाल रही हूँ। लेकिन ये हरी मिर्च बहुत ज़्यादा तीखे वाले नहीं है, और हरी मिर्च के पेस्ट से ना सब्जी के अंदर बहुत ही बढ़िया सी खुशबू, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर ऐड होता है। तेल अलग होने तक मैंने इसको भून लिया है, बिल्कुल बढ़िया से मसाले हमने भून लिए हैं। तो बस मसाले जब ऐसे भुन जाए, तब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा मलाई करी वाला पेस्ट,
और मलाई करी वाला पेस्ट जो है बिल्कुल रिच ग्रेवी देता है, बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर, बहुत ही बढ़िया सा टेक्सचर देता है इस ग्रेवी में। थोड़ा सा जार को पानी से खंगाल कर भी मैंने डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर देंगे और ग्रेवी को थोड़ा सा 3-4 मिनट के लिए हम पका लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भैया इसमें सिर्फ काजू, तिल और बहुत ही अच्छे अच्छे से चीज़ें डाले जिसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत हमें नहीं है। ग्रेवी हमारी 3-4 मिनट के लिए पक गई है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से खुशबू आ रही है और इसमें जो ग्रेवी है थोड़ी सी थिक ग्रेवी बनकर तैयार होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी भी हमें नहीं डालना है। तो ग्रेवी जब हमारी पक जाए 3-4 मिनट, तब हम इसमें डाल देंगे हमारे ये फ्राई किए हुए परवल। बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाता है, कोई झंझट नहीं और टेस्ट तो इसका औसम आता है। परवल डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, आप चाहे तो थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया छिड़क देना और बस हमारी परवल मलाई ग्रेवी बनकर हो गई है तैयार। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि आप इसे एक बार बनाने के बाद बार बार बनाओगी। आप चाहे तो इसको रोटी से खाओ, पराठे से खाओ या सिंपल दाल राइस के साथ खाओ, बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल रिच ग्रेवी बनकर तैयार होती है। इसको गर्मा गर्म सर्व करें और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरे चैनल तनुज 5 फ्रोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।